हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग ईयरली फोरकास्ट ईयर ऑफ 2020। गाइस, बाय ऑल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन। मेरी सारी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सारी प्रेडिक्शंस कैलकुलेट की गई हैं और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके डायनेमिक्स के साथ, ट्रांजिट के डायनेमिक्स के क्या प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर जुपिटर चेंज हुए हैं, अगर सैटर्न चेंज हो रहे हैं, या अगर मार्स अपना साइन चेंज कर रहे हैं, सन साइन चेंज कर रहे हैं, मरकरी साइन चेंज कर रहे हैं, तो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट के साथ ट्रांजिट के प्लैनेट्स का क्या रिलेशन बन रहा है। मेरी ये प्रेडिक्शन सिर्फ ट्रांजिट पे बेस्ड हैं। जो मेरे दोस्त ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके बर्थ चार्ट में और ट्रांजिट के बर्थ चार्ट के साथ क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं प्लैनेट की, वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपके असेंडेंस के बेस्ड पर ट्रांजिट के प्लैनेट आपके लिए कितने ज़्यादा सपोर्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अगर ट्रांजिट के प्लैनेट्स और आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपस में अच्छा बन रहा है, जब वो ट्रांजिट कर रहे हैं, अपना साइन चेंज कर रहे हैं, कोई हाउस चेंज कर रहे हैं, तो वो समय आपके लिए 100 out of 100 बेनिफिट वाला रहेगा। और अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट में नेगेटिव हाउस में है या डेब्लिटेटेड है, और आपके बर्थ चार्ट में भी वो डेब्लिटेटेड है या नेगेटिव हाउस में है, तो आपके लिए वो समय थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। सो सबसे पहले दोस्तों, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लैनेट्स यू हैव इन योर बर्थ चार्ट। आपके बर्थ चार्ट में जब आपका जन्म हुआ इस धरती पर, तो आपके प्लैनेट्स कहाँ पर थे, आपका लगन क्या है, आपका मून साइन क्या है, आपके ऊपर कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है, कौन से प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जुपिटर चेंज हुए हैं 2020 में, वो सेजिटेरियस साइन में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहाँ है। अगर सैटर्न 24 जनवरी 2020 को अपना साइन चेंज कर रहे हैं, सेजिटेरियस से कैप्रिकॉन में जा रहे हैं, तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की क्या प्लेसमेंट है और ट्रांजिट के सैटर्न के साथ उनका क्या संबंध बन रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे कि आपका असेंडेंस क्या है, आपका मून साइन क्या है, या जो ट्रांजिट में शनि देव का गोचर हो रहा है 24 जनवरी को, वो आपके लिए कितना प्रोडक्टिव रहेगा। क्या आपके ऊपर साढ़े सती है, क्या आपके ऊपर ढैया है, क्या वो साढ़े सती अगर आपके ऊपर है, आपके लिए बहुत नेगेटिव है या नहीं, या कम नेगेटिव है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। एस्ट्रोलॉजी एक डीप साइंस है। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं ईयर 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस। माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंस साइन। अगर आप इसको असेंडेंस साइन को माइंड में रख के सुनेंगे, तो 100 में से 85-90% से प्रेडिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई होंगी। अगर आप मून साइन को माइंड में रख के इसको सुनेंगे, तो 60% ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई होंगी। लेट्स स्टार्ट फॉर द एरीस असेंडेंस। फॉर एरीस असेंडेंस ईयर 2020, सबसे पहले बात करेंगे जो मेजर डायनेमिक्स हैं इस साल, जो गोचर है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बृहस्पति यानी गुरुदेव से। जुपिटर इस साल आपके असेंडेंस से 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जनवरी स्टार्ट से लेकर 20th नवंबर 2020 तक। लेकिन 29th मार्च से लेकर 30th जून तक जुपिटर अपना साइन चेंज करके कैप्रिकॉन साइन में सैटर्न के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। 24 जैन तक सैटर्न आपके असेंडेंस से 9th हाउस में है। 24 जैन के बाद सैटर्न आपके असेंडेंस से 10th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे और सारा साल आपके असेंडेंस से 10th हाउस में कैप्रिकॉन साइन यानी अपने खुद के साइन, अपनी खुद की राशि में संचार करेंगे। आपके असेंडेंस के लॉर्ड यानी कि मार्स ईयर स्टार्ट में जनवरी स्टार्ट से लेकर 8th फेब तक आपके असेंडेंस से 8th हाउस में है। 9th फेब से लेकर 22nd मार्च तक आपके असेंडेंस से 9th हाउस में है। सबसे पहले गाइस बात करेंगे फर्स्ट क्वार्टर की, जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा एरीस असेंडेंस के लिए। सो एरीस असेंडेंस, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर जनवरी, फरवरी और मार्च, खास करके जो जनवरी का मंथ है, आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, क्योंकि आपका असेंडेंस के लॉर्ड आपके असेंडेंस से 8th हाउस में है। नो डाउट वहां पर वो स्कॉर्पियो साइन में है, पावरफुल हैं, अपने खुद के साइन में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ लो एनर्जी जरूर फील करेंगे। पॉजिटिव ये है कि आपके असेंडेंस पर जुपिटर की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, तो वो आपकी रिसॉल्व होंगी।
हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे क्योंकि आपका जो लगन है, आपका सैंडस जो है वो जुपिटर से पंचम आस्पेक्ट रिसीव कर रहा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस समय में आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे, हेल्थ को लेकर किसी किस्म की कोई लंबी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। 8th फेब के बाद जैसे ही आपके सैंडस के लॉर्ड 8th हाउस को छोड़कर 9th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो आपके लिए हेल्थ रिलेटेड चीज़ें और बेटर होंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे। और आप अगर किसी किस्म का कुछ नेगेटिव फील कर रहे थे या नेगेटिव एनर्जी थी तो वो भी आपकी ख़त्म होगी। फरवरी में 2nd वीक से आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड आप अपनी चीज़ों को लेकर और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे क्योंकि ये समय आपके जो प्लैनेट्स हैं 9th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट और मार्स का ट्रांजिट रहेगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। अब बात करेंगे 1st क्वार्टर में आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये ईयर आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ईयर 2020 आपके लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, फुल ऑफ पॉजिटिव पैकेज है। इसमें आप बहुत सारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1st क्वार्टर में बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपके भाग्य के मालिक आपके भाग्य में ट्रांजिट करेंगे। और अगर आप 8th फेब के बाद अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा क्योंकि आपके सैंडस के लॉर्ड और भाग्य के लॉर्ड यानी 9th हाउस लॉर्ड एंड 1st हाउस लॉर्ड कंजक्शन इज इन योर 9th हाउस। सो गाइज, मार्स और जुपिटर का जो कनेक्शन है आपके 9th हाउस में 9th फेब से लेकर 22nd ऑफ मार्च तक आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जो एफर्ट्स करेंगे आपके एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में राइज होगा, आपकी सेविंग्स में राइज होगा, फाइनेंसिस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। जो डायनेमिक्स हैं वो आपके फेवर में हैं क्योंकि भाग्य आपका मजबूत है। बृहस्पति का केतु के साथ ट्रांजिट करना 9th हाउस में, जब भी जुपिटर और केतु का कंजक्शन होगा तो केतु जो होगा जुपिटर्स की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आप ये समझ के चले जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए 1st क्वार्टर बड़ा प्रोडक्टिव रहने वाला है, कोई फॉरेन लैंड से आपको बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, फाइनेंसिस आपके मच बेटर होने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होने वाली है जो बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी अगर आप फॉरेन रिलेटेड को बिजनेस करते हैं। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी 1st क्वार्टर खास करके 8th फेब के बाद का जो समय है 22nd मार्च तक का वो बहुत प्रोडक्टिव है। आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी, आपको जॉब मिलेगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मिलेगी क्योंकि फॉर्चून आपका आपके फेवर में है। इस साल आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो सोने में कन्वर्ट होगी क्योंकि आपका समय आपके फेवर में है, किस्मत आपकी आपके फेवर में है। 1st क्वार्टर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलेगी, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, आपके अंदर की जो काबिलियत है वो लोगों के सामने आएगी और लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, आपको हर जगह से वाहवाही मिलेगी, आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर पाएंगे। सक्सेस 100 out of 100 आपको मिलेगी, अचीवमेंट्स 100 out of 100 आपको मिलेंगी, बशर्त ये है कि आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एरिस असेंडेंस है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ पावर है। सो गाइस, जितने आप एफर्ट्स करेंगे, जितनी ज़्यादा आप एनर्जी लगाएंगे अपने काम में, अपने काम के प्रति फोकस रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, सक्सेस 100 out of 100 मिलेगी क्योंकि इस सारा साल जुपिटर का ट्रांजिट खास करके पहले 3 महीने जनवरी से लेकर 29th मार्च तक आपके 9th हाउस में है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इस समय में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए कुछ फॉरेन लैंड से भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखती हैं। अगर आपने कोई जॉब अपने लिए कोई सर्च कर रहे हैं फॉरेन लैंड में कर रहे हैं तो आपको वहाँ से ईमेल आ सकती है, फ़ोन कॉल आ सकता है, आपकी जॉब क्लिक हो सकती है। फॉरेन जर्नीज़ मुझे बनती हुई खास करके पहले 3 महीनों में एरिस असेंडेंस आपके लिए ये मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रही है। जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या फॉरेन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे, सक्सेस आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो आप करोगे उसके 100 out of 100 आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये समय है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। एरिस असेंडेंस, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग के साथ आगे बढ़ेंगे, पैशनेट होकर आगे बढ़ेंगे, सक्सेस उतनी बड़ी और उतनी अच्छी आपको मिलेगी। अब बात करेंगे 2nd क्वार्टर की, यानी कि 3rd मार्च से लेकर 3rd जून तक का जो ये ट्रांजिट है। जुपिटर यहाँ पर अपना साइन चेंज करके
कैप्रिकॉन साइन में सैटर्न के साथ ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। सेकंड क्वार्टर में यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा आपके टेंथ हाउस में, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न ऑन साइन में है और जुपिटर का साथ में ट्रांजिट होना शुरू होगा। तो यहाँ पर जुपिटर, हाँ नो डाउट कैप्रिकॉन में जुपिटर डेबिटेटेड होते हैं यानी नीच के होते हैं, लेकिन सैटर्न के साथ होने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो बाकी डायनामिक्स हैं, जो असेंडेंस के लॉर्ड हैं, वो भी इस समय पूरी पावर में है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आनी है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे सेकेंड क्वार्टर में, सेविंग्स आपकी राइज होगी, फॉरेन जर्नी सक्सेसफुल होगी, आप फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एनर्जी लेवल बड़ा हाई रहेगा, जो आप करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी, नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, किसी और अच्छी कंपनी से भी आपको कुछ ऑफर लेटर मिल सकता है या आपकी जॉब क्लिक हो सकती है। ओवरऑल प्रोफेशनली ये ईयर जो है एरिस असेंडेंस के लिए, खास करके सेकेंड क्वार्टर, ये बहुत ज़्यादा हाइट और बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने वाला है। इस समय में आप बिल्कुल ये मत दिमाग में रखें कि जुपिटर टेंथ हाउस में नीच के हैं, नहीं, यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। सैटर्न के साथ जुपिटर का यहाँ पर कंजक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, प्रोस्पेरिटी, एक्सपेंशन, ग्रोथ लेकर आ रहा है। इस समय में आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बड़ा अपना विजन कर लेंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। गाइस, ये समय रहेगा जब आप जो करना चाह रहे हैं आपको उसमें 100 out of 100 बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी। एरिस असेंडेंस, जो बीते समय से काफ़ी आपने सफ़र किया है, 2020 आपके लिए हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, रिवार्ड लेकर आ रहा है। मार्स का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सेकेंड क्वार्टर में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, आपके सिबलिंग्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके यंगर सिबलिंग आपको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ एडवाइस दे सकते हैं, फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा ज़्यादा राइज होगा, आपका जो सोशल सर्कल होगा वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। इस समय में आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। सेकेंड क्वार्टर जो रहेगा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स, एक पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, आप लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय में आप जितना ज्यादा अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ेंगे, सक्सेस उतनी बड़ी आपको मिलेगी। एरिस असेंडेंस थर्ड क्वार्टर आपके लिए जुलाई से लेकर सितंबर 30 तक, आपके असेंडेंस के लॉर्ड जुलाई स्टार्ट से लेकर आपके असेंडेंस 12th हाउस में रहेंगे अगस्त 10th तक। यहाँ पर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, आपकी एक्सपेंडिचर्स और आपके सेविंग्स में कुछ अनबैलेंस रहेगा, जिस वजह से आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे, आप किसी किस्म के लिटिगेशन का हिस्सा बन सकते हैं, मेंटली थोड़ा सा आप नेगेटिव फील करेंगे क्योंकि जुपिटर सैटर्न भी इस समय में रेट्रोग्रेड हैं। तो गाइज, आप इस समय में जो भी प्लान करें सोच समझ के करें। आप अपने घर की चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी व्हीकल पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिटेशन से बाहर ना जाएं, अपनी चादर से बाहर पैर मत पसारें। आपके लिए आपकी सेविंग्स और आपके एक्सपेंडिचर्स में अनबैलेंसिंग सिचुएशन बनेगी जो जुलाई और अगस्त स्टार्ट तक आपको काफी इरिटेट करेगी। मनी फ्लो आपके पास अच्छा बनता रहेगा, ओवरसीज जर्नी भी आपकी मुझे बनती हुई दिखती है, क्योंकि असेंडेंस के लॉर्ड आपके असेंडेंस से 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहां पर मार्स का ट्रांजिट, जो लोग फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है। मनी मैटर्स आपके सॉर्ट आउट होंगे, फॉरेन डील्स जो हैं आपकी वो मैच्योर होंगी, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में आप साइन कर सकते हैं। 10th अगस्त के बाद आपके असेंडेंस के लॉर्ड आपके असेंडेंट में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे सितंबर मिड तक। यहाँ पर सिचुएशन में चेंज होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने शुरू होंगे, प्रोफेशनली आप लाइमलाइट में रहेंगे, हेल्थ में बहुत कंफर्ट्स फील करेंगे, हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में रहेगी, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा गुस्से का स्वभाव आपका बनेगा। आप जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना नुकसान करेंगे। ओवरऑल यहाँ पर फॉर्चून आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपके असेंडेंस में मार्स का ट्रांजिट है और मार्स के ऊपर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है। आप जो करना चाह रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी, हेल्थ आपकी इंप्रूव रहेगी, आपका बिजनेस एसोसिएशंस के साथ काफ़ी अच्छे टाइप रहेंगे, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आएगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में से अपना कोई बिजनेस करते हैं, जो यहाँ ओवरसीज से लिंक कोई बिजनेस करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो डायनामिक्स की पोजिशन है 10th अगस्त से लेकर सितंबर मिड तक, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिवार्ड्स, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंस और गेन्स ये मुझे बनते हुए दिखते हैं। इस सारा साल मनी का फ्लो एरिस असेंडेंस आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा, सेविंग्स आपकी राइज रहेंगी, कैश फ्लो होने की वजह से आप एक अच्छा और पॉजिटिव, आप जिसको बोलते हैं समय, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। थर्ड क्वार्टर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, मंथ ऑफ अगस्त 2020 आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, रिवार्ड लेकर आएगा। अगर आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 10th अगस्त से लेकर सितंबर मिड तक आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को
कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट से लोन लेकर अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 10 अगस्त के बाद का जो पीरियड है बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। आपका लोन अप्रूव होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होगा और आपका बिजनेस लाइमलाइट में रहेगा। आप बिजनेस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस साल आप हासिल करेंगे और आपके जो पुराने डेब्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। एरिस असेंडेंस आपके लिए थर्ड क्वार्टर 2020 का फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर रहे हैं। समय को जाने ना दें, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग सारा साल एरिस असेंडेंस के ऊपर है। आपके लिए ज़िंदगी के नए दरवाजे, नए रास्ते खुलने वाले हैं और अगर आप उस रास्तों पे चलोगे, सक्सेस आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। फोर्थ क्वार्टर में सिचुएशन आपके फेवर में होगी। जो डायनामिक्स की पोजीशन है, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए एफर्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर स्पेशली, उनके लिए नवंबर और दिसंबर के मंथ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। अगर आप फॉरेन में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर आपके लिए प्रोडक्टिव है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाकर कुछ जॉब तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी। जो लोग फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, खास करके एरिस असेंडेंस के लिए, क्योंकि सारा साल जुपिटर का 9th हाउस में ट्रांजिट है। सिर्फ 3 महीने जुपिटर आपके असेंडेंस से 10th हाउस में रहेंगे, वो भी नीच भंग राजयोग में, जो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो फॉरेन एजुकेशन है, उनके लिए ये ईयर एरिस असेंडेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। आप आंखें मीच कर फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस में तो आप इस साल कर सकते हैं। अगर आप नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर में, खास करके नवंबर दिसंबर में, एरिस असेंडेंस थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चले। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको इरिटेट कर सकती है, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी आपकी रह सकती है। 15th नवंबर से लेकर 16th दिसंबर तक का जो पीरियड है ये आपके लिए काफ़ी लो एनर्जी का फील आप करेंगे। आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे, मेंटल थोड़ा सा आप अनस्टेबल रहेंगे। जो आप करना चाह रहे हैं सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद। बट ओवरऑल 2020 आपके लिए फुल ऑफ पैकेज वाला ईयर है। इसमें आप जो करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे, सक्सेस आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मिलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती रहेंगी। खास करके फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर आपके लिए हाईली रिवार्डिंग और बेनिफिटेड रहेगा। उन अपॉर्चुनिटीज को जाने ना दें, इस समय को आप एंजॉय करें। अब इस साल की कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं, अगर आप वो करेंगे तो इस साल में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइस, सबसे पहले तो आप एक येलो सफायर डालें राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कितने कैरेट का हो वो आप अपने बर्थ चार्ट में अपने जुपिटर की प्लेसमेंट को चेक करें। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर पावरफुल हैं या एक अच्छे हाउस में हैं, डिग्रीकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो भी आप ये येलो सफायर डाल सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर डेब्लिटेटेड हैं तो आपने येलो सफायर नहीं डालना। ये ध्यान रख के चलें, एरिस असेंडेंस, येलो सफायर डालना इस साल और कोरल डालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लॉर्ड हनुमान की वर्शिप करना, हर रोज़ रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का उच्चारण करना, हर रोज़ सुबह सीता राम चा हनुमते नमा का मंत्र जाप करना, जितना ज़्यादा ये आप चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए 2020 रिवार्डिंग ईयर रहेगा। सक्सेस मिलेगी, फेम मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। 2020 में आपके लिए लॉर्ड हनुमान जी के टेंपल में जाना, वहाँ जाकर ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट को चमेली के तेल का दिया जगाना। और फिफ्थ सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी, रोज़ सुबह अगर आप कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पे जाके अभिषेक करेंगे तो फॉर्चून आपका लाइमलाइट में रहेगा। इस साल कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास से भी नहीं निकलेगी और आप बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रहेंगे और आप अपनी लाइफ को पूरा स्पेंड करेंगे। सो गाइस, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, अपने बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लें, अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि सबसे बड़ा सिकंदर वही होता है जो अपने आप पे विश्वास रखता है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो आपका विश्वास है वो 2020 में आपके सारे रास्ते खोलेगा और आपको एक बहुत अच्छी हाइट तक लेके जाएगा, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स होगी तो। लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉरस असेंडेंस। फॉर टॉरस असेंडेंस ईयर 2020, आपके लिए 2020 में क्या स्टोर है, सबसे पहले बात करेंगे आपके मेजर डायनामिक्स की। आपके टॉरस असेंडेंस से 8th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा। जनवरी स्टार्ट से लेकर नवंबर 2020 तक आपके असेंडेंस से 8th हाउस में सैजिटेरियस साइन में केतु के साथ, और ईयर की स्टार्ट में यहाँ पर 5 ग्रह ट्रांजिट करेंगे, जिसमें सैटर्न, केतु, जुपिटर, सन, मरकरी, इन सब का ट्रांजिट भी आपके 8th हाउस में रहेगा, जो थोड़े दिनों के लिए रहेगा। 29th मार्च से लेकर 30th जून तक आपके असेंडेंस से 9th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा कैप्रिकॉन साइन में। 24th जनवरी से
लेकर ईयर एंड तक सैटर्न आपके असेंडेंस से नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। एक सबसे प्लस चीज़ ये हो रही है टॉरस असेंडेंस के लिए कि आपके असेंडेंस से जो सैटर्न का ढैया था एट्थ हाउस में वो अब ख़त्म हो रहा है और आपके असेंडेंस से नाइन्थ हाउस में सैटर्न ऑन साइन में ट्रांजिट करेंगे। बहुत बड़ी चेंज आपके लिए शनिदेव यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। राहु सितंबर 2020 तक आपके असेंडेंस से सेकंड हाउस में रहेंगे। केतु सितंबर 2020 तक आपके असेंडेंस से एट्थ हाउस में बने रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले जनवरी फरवरी और मार्च यानी फर्स्ट जनवरी से लेकर 29th मार्च तक जो पहला एक क्वार्टर है यानी पहले तीन महीने हैं टॉरस असेंडेंस के लिए कैसे रहेंगे। इन तीन महीनों में असेंडेंस से एट्थ हाउस में जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन है। 24 जैन से जैसे कि मैंने पहले बताया सैटर्न साइन चेंज करेंगे, आपका ढैया ख़त्म होगा और आपके नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। सो गाइज पहले तीन महीनों में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, खास करके 24 जैन के बाद सैटर्न का चेंज होना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आपके सारे बंद रास्ते खोलेंगे। आप अगर फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो आपका काम होगा, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका अच्छा काम होगा। पहला क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। अगर हम स्टार्ट करें जनवरी स्टार्ट से लेकर तो यहाँ पर कुछ स्लो डाउन आप फील करेंगे क्योंकि असेंडेंस से एट्थ हाउस में जुपिटर हैं और वहाँ पर पंच ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई हिडन वेल्थ आपको मिल सकती है, अकल्ट साइंस की ओर आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, नॉलेजेबल बुक्स आप रीड कर सकते हैं, एक नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। 24 जैन के बाद जैसे ही सैटर्न अपना साइन चेंज करेंगे फॉर्चून आपका आपके फेवर में होना शुरू होगा, जो आपके पेंडिंग काम है वो क्लिक होने शुरू होंगे। यहाँ पर सिचुएशन आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बननी शुरू होगी, आपकी चीज़ें आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलनी शुरू होगी। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए 24 जैन के बाद का टाइम बहुत रिवार्डिंग है। जो लोग नई जॉब तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी 24 जैन के बाद का जो पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग आने वाला है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप फॉरन जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको फॉरन में जॉब मिल जाए और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले और आपके सक्सेस का जो आपका ग्राफ है वो बहुत ही बढ़िया 2020 में बनता हुआ दिखता है क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस में आपके असेंडेंस से सैटर्न का ट्रांजिट रहेगा। गाइस पहला क्वार्टर खास करके 24 जैन के बाद सैटर्न के चेंज होने के बाद सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में होगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपके काम होंगे, नई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। अगर वो चीज़ें आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए हर एक तरह से रिवार्ड लेकर आ रहा है। जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, उनकी सोच आपके प्रति बदलेगी, आपकी चीज़ें फार बेटर होंगी। जो लोग लिटिगेशन में इन्वॉल्व थे उनका कोर्ट कचहरी का मसला सॉल्व होगा, उनकी चीज़ें उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी। आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर पाएंगे, सक्सेस आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेगी। आप इस समय में जितना बड़ा विज़न बनाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा अच्छे लोगों की संगति करेंगे, सैटर्न का ट्रांजिट नाइन्थ हाउस में उतनी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी 2020 में आपको देगा और उतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेस देगा। आप एक चीज़ याद रखना, सैटर्न की कुछ रूल्स हैं, आप अगर अपनी बाउंड्रीज में चलेंगे, अपनी लिमिटेशंस में चलेंगे, ऑनेस्टी के साथ चलेंगे, फोकस करके और हार्ड वर्किंग के साथ चलेंगे तो यहाँ पर सक्सेस 10 times+ होगी। आप जितनी हार्डवर्क करोगे आपको उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी कामयाबी यहाँ पर शनिदेव देंगे क्योंकि आपके असेंडेंस से नाइन्थ हाउस में है, त्रिकोण में है, आपके नाइन्थ हाउस में ऑन साइन में। सो टॉरस असेंडेंस आपकी किस्मत बिल्कुल बदलने वाली है। फर्स्ट क्वार्टर ही जो स्टार्ट है ईयर की, खास करके 24 जैन के बाद आपके सामने सारे ईयर को क्लियर करेगी, जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलेगी, जिन लोगों का काम लॉसेस में चल रहा वो गेन की ओर जाना शुरू हो जाएंगे, जो लोग फ्री बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ काम मिलेगा, जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड रिवार्डिंग है। 30th मार्च से लेकर 30th जून तक जुपिटर आपके 8th हाउस को छोड़कर 9th हाउस में आपके फिर त्रिकोण में सैटर्न के साथ ट्रांजिट करके नीच भंग राज्यों का निर्माण करेंगे। आपके 8th हाउस का लॉर्ड और आपके 11th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में, यहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटीज़ राइज होंगी। आप
लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस आपका सक्सेस होगा, फॉर्चून आपका 10 टाइम प्लस आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। आप ये ना सोचें यहाँ पर जुपिटर नीच के हो रहे हैं, नो डाउट कैप्रिकॉन में जुपिटर नीच के होते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग स्थापित हो रहा है क्योंकि सब राशि के शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये कंजक्शन जो है आपके सेकंड क्वार्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप किसी पे ट्रस्ट ना करें क्योंकि 8th लॉर्ड आपके 9th में है, 11th लॉर्ड आपके 9th में है। किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को कोई डॉक्यूमेंट साइन करके ना दें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस से चलें। फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा, सक्सेस आपको 100 out of 100 मिलेगी। आपके अंदर की जो छुपी हुई काबिलियत है वो लोगों के सामने आएगी। जो लोग एजुकेशन के बेसिस पे फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए सेकंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग आने वाला है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सेकंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग आने वाला है। हेल्थ इस ईयर खास करके सेकंड क्वार्टर में आपकी बड़ी प्रॉमिसिंग रहेगी। आप एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे क्योंकि सेकंड क्वार्टर में जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे रहेगी। सो ओवरऑल आपको एक अच्छी एंजॉयमेंट वाली हेल्थ आपको मिलेगी 2020 में। आपके 5th हाउस के लॉर्ड की जो पोजीशन इस साल बन रही है खास करके सेकंड क्वार्टर में मंथ ऑफ जून में, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होंगी और आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। सेविंग्स आपकी राइज होंगी, बैंक बैलेंस आपका बिल्कुल भरा रहेगा और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही आप जो जो प्लान करेंगे वो आपकी लाइफ में होता जाएगा। यहाँ पर चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी और आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि पिछले 2.5 ईयर से टॉरस असेंडेंस आपने जो स्ट्रगल देखी है, 2020 आपकी उस सारी स्ट्रगल को दूर करेगा और आपकी काबिलियत को, आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट जो है वो लोगों के सामने आएगा और जो आपके क्रिटिक्स होंगे वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे और आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस साल आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी। इस साल आपको मान, यश और कीर्ति में आपकी इजाफा होगा और आपका प्रोफेशनल लाइफ आपका लाइमलाइट में रहेगा, आप बिल्कुल टॉप पे रहोगे। लेकिन आप एक बार अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर चेक करवाएं कि आपके बर्थ चार्ट में बाय बर्थ प्लैनेट्स का 9th हाउस के सैटर्न के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। अगर ये रिलेशन पॉजिटिव है तो सक्सेस इस साल में गजब की होगी। सो गाइस, अब बात करेंगे आपके 3rd क्वार्टर की। मंथ ऑफ जुलाई में जो डायनामिक्स की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्लो डाउन आप फील करेंगे क्योंकि यहाँ पर सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे। आपके सैनर से 9th हाउस पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, आपके सैनर से 8th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो चीज़ें वैसी काम नहीं करेंगी जैसी आप करना चाह रहे हो। नो डाउट सक्सेस आपको मिलती रहेगी, मनी मैटर्स सॉर्ट आउट होते रहेंगे, लेन देन आपके अच्छे बिजनेस में चलते रहेंगे, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो आपका 3rd क्वार्टर की स्टार्ट है यानी मंथ ऑफ जुलाई है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। जुलाई और अगस्त आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी पे अंधा विश्वास करके अपना कोई प्रोडक्ट ना सेल करें। अगर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को देखकर ही कोई डील करें। अगर आप फॉरेन जर्नी पे जाना चाहते हैं 3rd क्वार्टर में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं बार बार बोलूँगा ये समय, क्योंकि जुपिटर सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेंगे टिल सितंबर एंड तक, ये समय कोई बहुत बड़े डिसीजन लेने का नहीं है। 3rd क्वार्टर आप जितना ज़्यादा अलर्ट होके चलेंगे, जितना ज़्यादा आप हर एक चीज़ों को एक जिसको बोलते हैं कि कैलकुलेट करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ कुछ हर्डल्स का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन ये हर्डल्स वैसी नहीं होंगी जब सैटर्न 8th हाउस में थे, उससे फॉर बेटर्स होंगी, यानी कि हर एक तरह से आपको कामयाबी मिलेगी। जो आप करना चाह रहे हो उसमें थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं और वो आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड ना हो तो उसकी स्पीड जो है आपके कामों की वो थोड़ी स्लो होती है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं सेकंड क्वार्टर में करें, 1st क्वार्टर में करें या 4th क्वार्टर में करें, 3rd क्वार्टर में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनके लिए भी 3rd क्वार्टर ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। 1st, 2nd और 4th क्वार्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है जिसमें आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे। सो गाइज, अब बात करेंगे आपके 4th क्वार्टर की। 4th क्वार्टर में आपकी चीज़ें सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छे रिवार्ड्स लेकर आएगा। यहाँ पर अब फिर मुझे फॉरेन जर्नी बनती दिखती है, फॉरेन में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ दिखता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए दिखते हैं। जो लोग एजुकेशन को बेस बना के अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा रिवार्डिंग समय दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर आपके लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आपका किसी अपने नियर डियर के साथ कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिससे आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। फाइनेंसेस आपके मच बेटर रहेंगे, आप हर एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे, आपकी वेल्थ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेविंग्स राइज होंगी आपकी, आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, कोई गड़ा छुपा हुआ धन मिल सकता है क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा। सो गाइज, इस ईयर में
आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स क्या हैं और ट्रांजिट के साथ उनका क्या रिलेशन बन रहा है, वो जानने के लिए अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर चेक करवाएं। सो गाइस, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, अपने बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स लें, अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि सबसे बड़ा सिकंदर वही होता है जो अपने आप पे विश्वास रखता है। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। फॉर जेमिनी असेंडेंस ईयर 2020 गाइस, इस साल में आपके सामने कुछ चैलेंज आएंगे, कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ चुनौतियां आएंगी। ये साल आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर इस साल कुछ हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होंगी। हर एक काम के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो आप करना चाह रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, वो आप नहीं कर पाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं, सीनियर्स, उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं रहेंगे। माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, हर्डल्स रहेंगी, थोड़ी सी ट्रबल्स रहेंगी। जेमिनी असेंडेंस आपके असेंडेंस से 8th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट, इस सारा साल 24 जनवरी 2020 से लेकर ईयर एंड तक आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा इस ईयर अंडर शेडो रहेगी। आप अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो खुलकर लोगों के सामने आप नहीं पेश कर सकेंगे। गाइज, इस साल में आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जो भी करें, प्री प्लानिंग से करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। कोई भी डॉक्यूमेंट अपने बिजनेस में या जॉब में आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें। आप इस चीज़ से बच के चलें। आपको धोखे का सामना हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, आपको चीटिंग और डिसेप्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये ईयर आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ पहले क्वार्टर की, तो जनवरी से लेकर 30th मार्च तक जुपिटर आपके असेंडेंस से 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, सैजिटेरियस साइन में। जुपिटर इस साल आपके लिए कुछ सेविंग ग्रेस जरूर है, लेकिन जेमिनी असेंडेंस आपके लिए, जुपिटर इज नॉट रूलिंग प्लैनेट, सो यू नीड टू बी केयरफुल। इस साल आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि रिस्क आप जो लेंगे इस साल, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वहां से आपको अच्छी इनकम या अच्छे गेंस नहीं होंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो सकती है। किसी को पैसा उधारी ना दें, अगर देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। जेमिनी असेंडेंस आपको इस साल कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी, फोकस होना पड़ेगा, अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से चलना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप केमिकल का काम करते हैं, अगर आप किसी किस्म की ट्रेडिंग करते हैं रिलेटेड टू मेडिकल, आपका कोई फील्ड है, या आप केमिकल में डील करते हैं, तो इस साल आप बहुत अलर्ट होकर चलें। अपने बिजनेस में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की प्लान अभी ना करें, क्योंकि ये साल आपके असेंडेंस से 8th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएगा। क्योंकि जेमिनी असेंडेंस आपके लिए, सैटर्न एक रूलिंग प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है। सैटर्न का 8th हाउस में ट्रांजिट आपकी चीजों को अनबैलेंस करेगा। आपकी सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी। आपके रिश्तों को लेकर इस ईयर चैलेंज रहेगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इस ईयर चैलेंज रहेगा। फाइनेंस की अगर बात करें, तो ये सारा साल आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से आप इरिटेट होंगे। चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। जो आप करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। सेविंग्स आपकी इस साल काफी डाउन रह सकती हैं। आपका बैंक बैलेंस इस साल डिस्टर्ब रह सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग इस साल आपके बिजनेस में नहीं होगी। अगर आप कहीं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इजिली टास्क इस साल में जेमिनी असेंडेंस आपके लिए नहीं है। मैं आपके सामने ट्रांजिट की बात कर रहा हूं। ट्रांजिट की जो पोजीशन है इस साल, आप जो भी करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल दिल से हार्डवर्क करना पड़ेगा, शिद्दत के साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो जाकर आपको कुछ सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज इस साल आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको ना मिलेंगे। जो लोग अनमैरिड हैं, जुपिटर का ट्रांजिट आपके असेंडेंस से 7th हाउस में आपके लिए शादी के कुछ रास्ते खोल सकता है। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज भी इस साल मिलेंगी, आपके लिए कोई पार्टनरशिप की ऑफर्स आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जेमिनी असेंडेंस जो भी करें, सोच समझ के करें। ये साल रिस्क लेने के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सैटर्न आपके असेंडेंस से 8th हाउस में है सितंबर 2020 तक। राहु आपके असेंडेंस में है, केतु और जुपिटर का कंजक्शन है आपके 7th हाउस में। सो यू नीड टू बी केयरफुल। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब जरूर मिलेगी एफर्ट्स करने के बाद, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जो पैकेज आप चाहते हैं जॉब में, वो अभी आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पेशेंस से इस साल चलेंगे, उतना ज्यादा आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज सैटर्न का 8th हाउस में ट्रांजिट आपकी चीजों में कुछ डिले लेकर आएगा। हां, यहां पर क्योंकि 8th हाउस का आपके ऊपर ढैया है, आपके असेंडेंस से 8th हाउस में सैटर्न है, तो आप इस चीज को माइंड में रख के चले
चले कि जो भी करें सोच समझ के करें, नेगेटिव पॉजिटिव साइड हर एक चीज़ की सोच कर आप आगे बढ़ें, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपका प्रोफेशन है। जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करके चलेंगे, कमिटमेंट पे अपने उतरेंगे, उतने ज़्यादा इस साल आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको इस साल थोड़े से हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, डिलेज का सामना करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ इस ईयर थोड़ा सा सफ़र कर सकती है, स्टमक आपका थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, बैक बोन से रिलेटेड आपको ट्रबल हो सकती है, लेग्स और घुटनों में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, अननेसेसरी पेन आपको इरिटेट करेगी। खास करके मंथ ऑफ सितंबर 2020 तक का जो पीरियड है वो आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा रिलेटेड टू योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर होके चले, अलर्ट होके चले, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर, अपनी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से अलर्ट होके चले। इस साल आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, किसी ना किसी चीज़ को लेकर अनबन रह सकती है। अगर आप ऑलरेडी अपने फैमिली लाइफ में कुछ सफ़र कर रहे हैं रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी और वर्स्ट होगी, क्योंकि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। आप अपनी ज़ुबान पर लगाम दे के चलें, जो भी बोलें दो बार सोच समझ के बोलें और सामने वाले की बात को समझें, सामने वाले को स्पेस दें। अदरवाइज जेमिनी एसेंडेंस आपको इस साल कुछ हर्डल्स का सामना अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी करना पड़ेगा। आपकी मदर की हेल्थ इस साल मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट अबाउट रिलेटेड टू योर मदर हेल्थ। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं आपकी मदर की हेल्थ को लेकर, तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यह समय किसी भी चीज को लेकर इग्नोरेंस दिखाने का नहीं है। जेमिनी एसेंडेंस थोड़ी सी स्ट्रगल आपके बर्थ चार्ट में डायनामिक्स की पोजीशन मुझे दिखा रही है, आपके ट्रांजिट में आपके जो पोजीशन है प्लैनेट्स की वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये साल नहीं है। अननेसेसरी टेंशन और हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। इस साल अगर फॉरेन जर्नी पे आप जाना चाहते हैं तो कोशिश करें, इग्नोर करें उस जर्नी को। अगर बिजनेस रिलेटेड कोई जर्नी है तो रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होंगे, चीज़ों में लिंगर ऑन होगा, या तो आप जा नहीं सकेंगे इजिली। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप सोच के जा रहे हैं। सो गाइस, जो भी करें अपनी प्लानिंग से करें, सोच समझ के करें। इस समय मैं बार बार बोल रहा हूँ 2020 जेमिनी एसेंडेंस आपके लिए रिस्क लेने का ईयर नहीं है। जितना ज़्यादा सावधानी से चलेंगे, अलर्ट होकर चलेंगे, डिसिप्लिन में चलेंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे और हार्डवर्क करेंगे, सक्सेस उतनी ज़्यादा और उतनी बढ़िया आपको मिलेगी। अदरवाइज ये इस ईयर आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इस साल में रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जेमिनी एसेंडेंस अगर बात करें आपकी फ्रेंड सर्कल की या आपकी पर्सनल लाइफ की, उसमें भी इस साल कुछ हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका कोई नियर डियर आपको चीट कर सकता है, अगर आपने किसी से कुछ पैसा लेना है तो वो पैसा आपको टाइम पे नहीं मिलेगा। आप फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इस साल डाउन रहेगी, खास करके आपके फैमिली मेंबर्स, आपका कोई नियर डियर पर्सन आपको चीट कर सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो किसी के साथ भी कोई लंबी चौड़ी कमिटमेंट ना करें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये ईयर आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना होंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए मिक्स फ्रूट वाला ये ईयर रहेगा। पहले दो क्वार्टर यानी कि जैन से लेकर तकरीबन जून तक की जो पोजीशन है वो कुछ आपके फेवर में रहेगी, लेकिन जून के बाद आपको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। अब बिल्कुल फोकस होकर अपनी एजुकेशन की ओर ध्यान दें। अगर आप फॉरेन एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ईयर एंड तक का आपको वेट करना पड़ेगा। सितंबर के बाद के जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए हेल्पफुल होगी। जैसे ही सितंबर के बाद राहु केतु अपना साइन चेंज करेंगे, आपके लिए फॉरेन रिलेटेड चीजें काफी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। जेमिनी एसेंडेंस अलर्ट होकर चले इस साल, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चले अपनी हेल्थ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर। इस साल कहीं ना कहीं आपको चैलेंज देखने को मिलेगा जो आपके मेंटल पीस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इस साल में आप जो भी करें वो प्री प्लानिंग से करें, अपनी चादर के बाहर पांव ना पसारें, लीगल मैटर्स की ओर ध्यान दें। आप किसी किस्म के लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ला को कानून को बिल्कुल ना तोड़ें, कानून की हदों में रहकर सारे काम करें, किसी भी चीज को लिंगर ऑन ना करें, किसी भी चीज को लेकर अवॉइड ना करें, इग्नोरेंस ना दिखाएं, किसी भी चीज को लेकर कल पर ना छोड़ें, जो करना है वो आज करना है। अपनी स्पीड को बढ़ाएं, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। नो डाउट डायनामिक्स थोड़े से स्ट्रगलिंग जरूर है, लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी विल पावर को एक सपोर्ट मिलेगी आपकी थिंकिंग की वजह से, कि आप अपने चैलेंज को फेस कर सकेंगे। अदरवाइज जेमिनी एसेंडेंस आपको कुछ हर्डल्स का सामना, कुछ डिलेज का सामना और रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम का सामना इस साल करना पड़ेगा। आप अपने माइंड को मेकअप करके चलें,
रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहें, जो भी शब्द मुंह से निकालें सोच समझ के निकालें। ये याद रख के चलें, अगर आज बुरा समय है तो आने वाला कल बड़ा ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। लेकिन जेमिनी एसेंडेंस 2020 आपके लिए कुछ हर्डल्स, कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होंगे। जो लोग फॉरेन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं दिख रहा। सो गाइज, यू नीड टू नो कि विच टाइप ऑफ प्लैनेट यू हैव इन योर बर्थ चार्ट, आपके बर्थ चार्ट में कैसे प्लैनेट हैं, और 2020 में जो ट्रांजिट बन रहा है उसका आपके बर्थ चार्ट के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। अगर वो रिलेशन नेगेटिव है तो आपको इस साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और अगर आपके बर्थ चार्ट के डायनामिक्स की पोजीशन ट्रांजिट के डायनामिक्स के साथ अच्छी मैच हो रही है तो आपकी स्ट्रगल कम होगी, लेकिन स्ट्रगल जेमिनी एसेंडेंस के लिए 2020 में ज़रूर होगी। सो गाइज, आप इस साल में अपने विजन को बड़ा रखें, अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव ना होने दें, आने वाले कल को दिमाग में रख के प्लानिंग्स करें, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अपने मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा अलर्ट होके चलें, फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच दिखाएं, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि आपके असेंडर से 8th हाउस में सैटर्न है, कहीं ना कहीं आपको आपके फादर की एडवाइस आपके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगी। जो वो एडवाइस आपको देंगे, अगर वो आपके बिजनेस में आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी, आपका फॉर्चून आपके फेवर में होगा। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, पेरेंट्स का टेक केयर करें, क्योंकि ये साल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिख रहा है आपकी मदर की हेल्थ को लेकर। ओवरऑल जेमिनी एसेंडेंस आपके लिए जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके ट्रांजिट में, कुछ स्ट्रगलिंग ज़रूर हैं। इस सारा साल जुपिटर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 3 महीनों के लिए जुपिटर आपके 7th हाउस को छोड़कर आपके 8th हाउस में सैटर्न के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे। जब आपको ये तकरीबन टाइम पीरियड होगा, आप लगा के चले 29th मार्च से लेकर 30th जून तक, इस पीरियड में आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। इस पीरियड में आप अगर फॉरेन सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपका हो सकता है। इस पीरियड में आपके कुछ पेंडिंग काम क्लिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु शनि का योग बनेगा 90 डेज के लिए, इसमें जुपिटर नीच भंग राजयोग में होंगे। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जब जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सैटर्न के साथ नीच भंग राजयोग में, यानी कि 29th मार्च से लेकर 30th जून तक ये जो 90 डेज है आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए, इसीयर हेल्पफुल हैं। फ्रांसिस आपके 90 डेज में बेटर होंगे, आपको कहीं से सपोर्ट मिलेगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, आपका जो बैकअप है वो स्ट्रांग होगा इस 90 डेज में, क्योंकि इस 90 डेज में जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। बट ओवरऑल गाइज, ये साल आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है, कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं होंगे। हर एक चीज को लेकर आप फोकस करें, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका प्रोफेशन, किसी भी चीज़ को लेकर इग्नोरेंस ना दिखाएं। अगर आप इग्नोरेंस दिखाएंगे, रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं या जिसके आप हकदार हैं। सो गाइज, इस ईयर क्या किया जाए, ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए, ऐसी कौन सी वर्शिप की जाए जिससे हमारी हर्डल्स कम हो और हमें सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो। सो गाइज, इस ईयर 2020 सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए, हर रोज़ सुबह लॉर्ड गणेशा का चालीसा पढ़ें। हर रोज़ सुबह आप जैसे ही उठते हैं लॉर्ड गणेशा का चालीसा पढ़ें, और ख़ास करके लॉर्ड गणेश जी के टेम्पल एवरी वेनसडे और सैटरडे जाएँ। ओम गण गणपताये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके मुकद्दर में चमक आएगी और आपके रुके हुए काम बनेंगे। सो गाइस, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, अपने बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स लें, अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि सबसे बड़ा सिकंदर वही होता है जो अपने आप पे विश्वास रखता है। नो मोर अबाउट दिस ईयरली फॉरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।